लाइफ के जमाने में अब चाय बनाता है। चाय महंगा, शक्कर शक्कर महंगा, हम करना है लेकिन इस संडे को करना बहुत भारी पड़ता है। इस संडे को हमको चर्च जाना पड़ता है ना, समझता ही नहीं है। लोग उठेगा या नहीं? बस बस आंटी आ गए आ गए आ गए आ गए। गुड मॉर्निंग आंटी। व्हाट गुड मॉर्निंग मैन, दोपहर होने को आया, मालूम है संडे अपन को चर्च में जाने का है। अरे तो चले जाने का था ना आंटी, चाहे तो हम खुद भी बना सकते हैं। खबरदार खबरदार, आप उनके किचन में तुम लोग पैर रखा तो यू कॉकरोच लोग। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बात है आंटी, आज आप बड़ी अच्छी लग रही हैं। न्यू ड्रेस एंड ऑल? नो मैन, ड्रेस तो नया नहीं है मगर पहली बार पहना है। अरे चर्च में जाने का तो अच्छा ड्रेस पहनना मांगता है ना, तुम्हारी तरह थोड़ी कुछ भी पहने किधर भी जाए। हम जाता है, वो रूम का फैन बंद कर दिया, बिजली का बिल जास्ती आने लगा है। अरे बिजली के बिल की क्या बात कर दी आंटी, एक दिन तो मैं ये सारा बंगला ही खरीद लूंगा। क्या पता है विजय, आज बहुत खुश है। अरे अपनी तो निकल पड़ी बस, मालूम है कल क्या हुआ? क्या हुआ? अरे वो शर्मा मिला था, अरे विरार में जो रहता है प्रोडक्शन वाला। हाँ हाँ। कह रहा था सुभाष जी को एक नए चेहरे की तलाश। फिर क्या था? आई डिड नॉट वेस्ट एनी टाइम यार, इधर उसने मुझे बताया माँ मैं फट से तैयार होकर खटाक से उनके ऑफिस पहुंच के उनके रूम का दरवाजा खोल दिया। अरे और सामने सुभाष जी अपने असिस्टेंट और राइटर्स के साथ मीटिंग चल रही थी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ता वो कूद के मेरे सामने आ गए और मेरा चेहरा अपने हाथों में लेकर बोले, यही तो है मेरा हीरो। और फिर तेरी आंख खुल गई और सपना गोल। अरे सपना नहीं, हकीकत है हकीकत। अरे यही हकीकत तूने पिछले हफ्ते इंदु जी का हीरो बन के बयान की थी। अरे वो पिछले हफ्ते की बात थी, एकदम ताजा गर्मा गर्म, समझा ना? अबे तू क्या समझेगा, जाने दे, अबे तेरा कुछ नहीं हो सकता, इमोशन नहीं समझता। अबे तू कहता कि मैं जाऊं? मैं जाता हूं। हां जा जा, अपने को टाइम लगता है, क्या है ना अपने सारे इमोशनल सीन जो है वो उधर ही बताओ। इस महीना जॉन आने वाला था ना, जॉन आ रहा है कि नहीं? वो आने वाला तो था पर बहुत दिन हो गए उसका लेटर ही नहीं आया। अरे हमको बड़ा फिक्र हो रहा है मैन। व्हाट जोना, तुम्हारा जॉन तुमको लेटर नहीं लिखा? ऐसा बात नहीं है, हर महीना वो हमको लिखता है। वो समझता है इस बुढ़े आंटी को उसके सिवा और कोई है नहीं। एकदम करेक्ट बोला जोना, वरना आजकल का तो सगा वाला नहीं दिखता है। ये तो फिर भी बहुत दूर का रिश्तेदार है। रिश्ता दूर का सही पर दूर का, बहुत प्यार करता है जॉन, हमेशा यही बोलता है उधर रहने का कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास इधर कनाडा में आकर रहो। सिटी बॉय इतना बड़ा घर का जिम्मेदारी सर पर है, हम वहाँ कैसे जाएगा? हम बोला चुकी हैं उसको, इधर आओ घर बेचो और हमको यहाँ से ले जाओ। अरे हम कौन सा उसके लिए मगर कुछ भी कहो मानना पड़ेगा। बिल्कुल अपनों का मात्र देखभाल किया इतने बड़े घर का तुमने अकेले, वो तो करना ही पड़ता है। तो टॉम भी सीजा जॉन का फादर, वो हमारा दूर का कजिन, वो हम पर बहुत भरोसा करता था, हमको बहुत मानता था। वो कनाडा गया ना तो हमको बोला जुआना इस घर को अच्छी तरह से संभालना, मेरी बात मेरे बेटे जॉन की अमानत है। देखो भैया ये फिल्म सिटी है,
यहाँ पे आने वाला हर नौजवान अपने आप को राइटर डायरेक्टर एक्टर कहता है, और आप भैया राइटर हो डायरेक्टर हो या एक्टर हो, मुझे क्या, मेरी ड्यूटी तो ये है किसी भी अरे गहरे को अंदर नहीं जाने देने का। पर विक्रम साहब ने मुझे आज बुलाया था भाई। एक्सक्यूज मी, तुम्हें विक्रम जी ने बुलाया है? जी हाँ। ठीक है भाई साहब, ये मेरे साथ हैं, कम कम विद मी। अच्छा हुआ आप मुझे मिल गई, वरना वो तो मुझे कभी अंदर आने ही नहीं देता। लेकिन आप? मैं विक्रम जी की असिस्टेंट, और तुम? मैं एक स्ट्रगलिंग राइटर और एस्पायरिंग डायरेक्टर हूँ। गुड, और इस स्ट्रगलिंग राइटर एंड एस्पायरिंग डायरेक्टर का नाम जान सकती हूँ? रोहित, रोहित वर्मा। हाय, आई एम नेहा। हाय। कम अलोंग। तुम दो मिनट यहीं पर रुको, मैं विक्रम जी से बात करके आती हूँ। ओके। 15 दिन के महाबलेश्वर के आउटडोर में हमें कहीं भी अच्छा खाना नहीं मिला। By the way, आपको चाइनीज खाना पसंद है? Of course. आपने चॉपस्टिक्स में खाना खाया है? The food is mind blowing. I love Chinese food. वहाँ का चिकन फ्राई सुपर्ब। Excuse me, sir. Yes. आपसे रोहित वर्मा मिलने आए हैं। अच्छा अच्छा, वो टीवी चैनल से आए होंगे मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। वेरी गुड, आप उन्हें जरा मेकअप रूम में बिठा दीजिए, मैं भी आ रहा हूँ। नहीं सर, वो एक राइटर है, आपने उन्हें शायद यहाँ बुलाया था। राइटर? मैंने बुलाया है? What nonsense! 20वें राइटर यहाँ पे आते, क्या मैं सबसे मिलता घूमूंगा? इस शहर में तो हर दूसरा आदमी राइटर है, जिसे काम धंधा होता नहीं राइटर बन जाता है। By the way, you are my assistant, नेहा, क्या तुम्हें अकल नहीं है? Can't you see I am busy with madam? सीन समझा रहा हूँ, डिस्कशन में है हम। आप खड़ी क्या हो? Now go, कुछ ठंडा भिजवाओ। 20वें राइटर यहाँ पे आते, क्या मैं सबसे मिलता घूमूंगा? इस शहर में तो हर दूसरा आदमी राइटर है, जिसे काम धंधा होता नहीं राइटर बन जाता है। लेट होता है। ये कोई टाइम है आने का? आधी आधी रात को तुम लोग आवारा गर्दी करके लौटता है। I'm sorry, आंटी। यहां रखने से पहले बोला था ना रात को लेट नहीं आने का, बोला था ना? बोला। तो फिर अभी यहीं खड़ा रहेगा या अंदर रहेगा? तुम्हारा वो साथी आने वाला है या गायब है? आंटी शायद उसका रात का शूटिंग है आज। अजीब दुनिया इन लोगों की, सब सोते हैं तब ये काम करते, लेकिन फिर भी वो कुछ काम करता है, तुम्हारी तरह नहीं है। एक बात बोलूं मैं, अपना लाइफ काय को वेस्ट करता है? अच्छा फैमिली का लगता है, अपना मुल्क वापस जाओ, उधर कोई काम धंधा ढूंढो ना। चलिए आते हैं फिनलैंड। पहचाना नहीं क्या? अब अंदर आने के लिए तुम्हारा परमिशन देना पड़ेगा। देखो ये घर मेरा है और ये कमरा इस घर का हिस्सा है, अंदर आने के लिए मेरे को कोई नहीं रोक सकता। ये ले, खाना खा ले। ऐसा घूर घूर के क्या देखता है, इधर आओ बैठो।
आएगा नहीं तो कैसा चलेगा? हमको मालूम है फिल्म लाइन में स्ट्रगल करना पड़ता है, पर खाली पेट तो कुछ नहीं होता, तो स्ट्रगल क्या खाक करेगा तू? चले आते हैं सर ऊंचा करके फिल्म लाइन में सब। गुड मॉर्निंग आंटी। आज क्या डेट है मालूम? आंटी आंटी छोड़ो, अपुन ने पूछा आज क्या डेट है? आज रेंट डेट है आंटी, रेंट डेट। ये लीजिए आपका रेंट, ये आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। इंपोर्टेड है? डब्बा इंपोर्टेड। शैतान है, फसका मारता है। अरे मारना पड़ता है आंटी। देखा, और एक तुम, कभी टाइम पे भाड़ा नहीं चुकाता। अपुन क्या करने का? किधर रहने को जाओ कोई पता चलेगा, पेइंग गेस्ट को कितना पैसा देना पड़ता है। आपुन ने तो सोच लिया है, चले जाएगा इधर से। जान तो हमेशा हमको चिट्ठी में बोलता है कि हम इंडिया आएगा, घर बेचेगा और तुमको अपुन के साथ ले जाएगा। अगर ये जॉन भैया आ गए ना तो अपनी खटिया खड़ी। वो तो होना ही है, देखना आजकल में जॉन का चिट्ठी आएगा कि आंटी जल्दी हम तुमको लेने के लिए आ रहा है। मैडम। अभी कौन आए? आपका टेलीग्राम कनाडा से। हमारा जॉन का इज्जत पर किसी ने। रिचिंग बॉम्बे नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट संडे को आता है। टेल पीजी टू वेकेट, पीजी को जाने को बोलो। अरेंज योर पासपोर्ट, अपना पासपोर्ट अरेंज करो। जॉन हमारा जॉन आ रहा है हमको लेने के वास्ते। गॉड ब्लेस, थैंक यू वेरी मच। मेरा जॉन आने वाला है। आपने बोला ना जॉन आएगा, उसका टेलीग्राम आया है मैम, वो आने वाला है। जॉन आने वाला है, हमारा हमारा जॉन आने वाला है। थैंक यू गॉड, थैंक यू, हमारा जॉन आ रहा है। देखो जॉन का टेलीग्राम आया है कनाडा से। रीचिंग बॉम्बे नेक्स्ट संडे, टेल पीजी टू वेकेट, अरेंज योर पासपोर्ट। जॉन, ओ जोना, आई विश हमारा भी कोई रिलेशन फॉरेन कंट्री में होता। मालूम मेरी नीलोफर का लड़का को भी जॉब मिल गया दुबई में, अब तो भी वो भी चला जाएगा। अरे दुबई तो ठीक है, हम लोग का वास्ते कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये अच्छा प्लेसेस है ना। हमको जगह का कुछ नहीं, बस अपने जॉन के साथ रहने को मिलना चाहिए। हम कुछ वो जहाँ रखेगा हम रहेगा। अच्छा हम चलता है, तो पासपोर्ट एजेंट के पास जाना है ना। सुना है बहुत महीनों लगाते हैं, इसलिए मैंने पहले दे के रखा था। मैंने पहले से पासपोर्ट तैयार रखा है ना, तुमको मालूम था तुम जाने वाला है। अरे जॉन हर चिट्ठी में बोलता है कनाडा आ जाओ, कनाडा आ जाओ, मैंने बनाने के लिए पहले से दे के रखा। अच्छा हम चलते हैं। हेलो तुम? ऑफ कोर्स मैं, यहाँ अक्सर आती हूँ। अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई। दरअसल मैं तुमसे उस दिन के लिए माफी मांगना चाहता था। माफी मांग लीजिए। जी माफी। ओके आई एम सॉरी। सॉरी एक्सेप्टेड। चले चल। कैसे हैं तुम्हारे बॉस? ठीक ही होंगे। मतलब ये कि मुझे उस दिन ऐसा लगा कि शायद उनके साथ वहां रहकर कहीं मैं वो सब ना सीख जाऊं जो मैं सीखना नहीं चाहती, और इससे पहले कि वो मुझे रुकने को कहते मैंने तुम्हें जाने का फैसला कर लिया। You're right। अब कहाँ हूँ? अब दीपक सिन्हा जी के साथ हूँ, काफी क्रिएटिव है, मिलवाऊंगी तुम। क्या करना चाहते हो? मेरे लिए ये बताना आसान होगा कि मैं क्या नहीं करना चाहता।
मैं रेंगना नहीं चाहता कीड़ों की तरह, सर उठा के जीना चाहता हूँ। यहाँ उसके लिए तकदीर चाहिए, गॉडफादर चाहिए, विश्वास चाहिए जो है मेरे पास। एनीवे, तुम क्या करना चाहती हो? शायद मैं भी उसी रास्ते पर चलना चाहती हूँ जिस पर तुम चल रहे हो। आज है 8, 9 और 10 को अपन का जान आ जाएगा। रामपुर से बहुत पसंद है। अरे आंटी जो बना रही है उसे पसंद ही आएगी, बचपन की याद आएगी। आज अपन का जॉन आने वाला है। बहुत काम पड़ा है। ये दोनों अभी उठेला है या नहीं? कागज और कलम और किसी की भी लाइफ से हम एक्टर्स को तो फिट रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वैसे मेरे को लगता है एक दिन तेरी भी निकल ही पड़ेगी, लेकिन उस बात में को भूलने का नहीं बड़ू। क्या नहीं भूलूंगा? बस तुझे बात कहूं, ये इमोशनल सीन, ड्रामेटिक सीन, एक्शन, कॉमेडी, लाइट सीन, हैवी सीन और इवन स्टंट्स, अब मैं फिट हूँ यार। नमूना देख, क्या बंदर की माँ भी सुबह सुबह उछल रहा है? अरे आंटी, वो क्या है ना कि रोज मेरे लिए एक रोल लिख रहा है, उसमें ये सब स्टंट्स वगैरह है, उसी की रिहर्सल करके बता रहा था। क्यों मैं अभी बोला? पर आज आप संडे के रोज घर पे चर्च नहीं गई क्या? सेकंड संडे को उधर भी छुट्टी होता है क्या? What second, third Sunday, man? आज अपुन का जॉन घर पे आ रहा है, मालूम है ना? फिर कैसे जाएगा चर्च में? लेकिन उसका फ्लाइट तो दोपहर को है। फ्लाइट का क्या भरोसा, वो लेट आ सकता है, वैसे जल्दी भी आ सकता है। और फिर जॉन घर पे आएगा और हमको घर पे नहीं पाएगा तो फिर उसको बुरा लगेगा ना, है ना? और फिर वैसे भी बच्चों के सामने चर्च का क्या। ठीक है ठीक है, बहुत काम पड़ा है, हमारा टाइम वेस्ट मत करना। हाँ वाह जॉन भैया, क्या तकदीर पाई है। हेलो आंटी, आंटी मीट रीटा। हेलो आंटी, हेलो हेलो। कब से सुन रहे हैं? कब से सर?
पास बैठ। हम तो लंच के वास्ते तुम्हारा इंतजार करता था। अब लेट टाइम हुआ, वो फ्लाइट दोपहर में आने वाला था ना, तो तुम्हारा सामान किधर है? आंटी वो फ्लाइट तो टाइम पे आ गया था, लेकिन वो हम लोगों ने वो होटल में चेक इन किया और थोड़ी देर आराम करके आए। होटल में क्या को? वो पिछले वाला रूम तुम लोगों के वास्ते हमने ठीक करके रखा है। वो आंटी वो इसलिए आंटी के शायद यहाँ पर फोन नहीं है, और फिर बंगले का डील करने के लिए बिल्डर से बात करने में कोई प्रॉब्लम हो जाता। As it is, it's very hot and humid out here, isn't it, John? Yes. और आंटी वो पीजीज भी है ना, इसलिए हमने सोचा कि तुम लोग आ गए हैं ना, वो तो चला जाएगा, हमने बोल के रखा है उसको। ठीक है, एक सरप्राइज। ये देखो हमारा पासपोर्ट। बहुत मुश्किल में जाके मिला। अरे कितना चक्कर लगाया उस एजेंट का, पूरा दिन उसके ऑफिस में बैठा था तब जाके मिला। गुड आंटी, ओके आई विल कीप इट। रखो ओ, वीजा टिकट के लिए लगता है ना, हमारा फ्रेंड मेरी है ना, वो बोला हमको कि इसके वास्ते लगता है वो। मैं वो मेरी हमको क्या बोला मालूम है? जो है ना, तुम कितना लकी है, कनाडा जा रहा है। वो थोड़ा सा बुरा लगा उसको, लेकिन क्या करने का, जाने का है ना? Yes, आंटी। आई थिंक वी शुड मूव नाउ। आंटी हम लोग चलते हैं, वो बिल्डर के पास भी जाना है। लेकिन अभी तो आए हो, और तुम्हारे वास्ते हमने खाना भी बनाया है। तुमने लिखा था ना लेटर में प्रॉन्स करी अच्छा लगता है, वो करी भी बनाया है और कई चीजें बनाई है। आंटी वो खाना नेक्स्ट टाइम खा लेंगे, एक्चुअली बिल्डर से बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। बंगले की डील जितनी जल्दी स्ट्राइक करेंगे उतनी जल्दी हम लोग कनाडा पहुंच जाएंगे, राइट? या राइट। हाँ वो भी जरूरी है, जल्दी से काम निपटा लो ताकि हम चले जाएं। कल कब आओगे? देखते हैं आंटी, वैसे कल मिस्टर शाह के साथ भी आना है, वैसे दोपहर तक आ जाएंगे। अच्छा आंटी वो कल उन पीजी से भी मिलना है, आप उनको बोल देना कि यस उनको हम ऑलरेडी बोल के रखा है, वो लोग खाली कर देगा। अरे ऐसे कैसे छोड़कर चले जाएं यार, इतना आसान है क्या? वो बोले जाओ और हम चले हैं। ये सब जो दिख रहा ना, खाना पीना, वो सुना है ना तुमने? बकरे को हलाल करने से पहले उसकी खूब खाते। ये सब वही है। चल ये लोग बड़े प्यार से हमको बाहर का रास्ता निकाल, और हम इस बंगले के ऐशो आराम से निकल कर दूर कहीं थके से गेस्ट हाउस के तंग कमरे की छोटी छोटी खटिया में बैठकर खटमल मार। अरे तकदीर। हाँ खाना तो तुम्हारी तकदीर में था, और कुछ चाहिए? हाँ वो चावल दो आंटी। थैंक यू। और देखो कल घर में ठहरने का है, सुबह जॉन आएगा उसको तुमसे मिलने का है। हाँ हाँ उसको तो मिलना ही पड़ेगा, क्यों? What do you mean? You can't do this. ये गलत है। देखिए मैं नहीं जानता ये गलत है, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि यहाँ से निकलने के बाद और एक नई जगह पर जाकर मुझे डिपॉजिट भरना पड़ेगा जो मेरे पास नहीं है। This is dirty blackmail. देखिए मिस्टर, please try to understand. We need this place. Excuse me. Please. Come on. Mr. John, मामला नाजुक हो गया। इस आदमी को यहाँ से निकालने के लिए कुछ न कुछ देना ही पड़ेगा, इसकी नीयत खराब हो गई। But why? Yeah, please. Okay. All right. बोलो तुम्हें क्या चाहिए? Come on, say. मेरे ख्याल से 10,000 काफी रहेंगे। Kill your bloody name. तुझको कितना पैसा चाहिए? 5,000, 10,000, 15,000, बोल। चुप क्यों बैठा है? मुंह खोल। मालूम है अभी जितना मांगेगा मिलेगा, पर कभी ये सोचा हमने तुमको यहां अपने बच्चे के माफिक रखा, भाड़ा दिया नहीं दिया हम कुछ नहीं बोला, और आज हमारे जान के आगे बाहर वालों के आगे तुम लोगों ने हमारा बेइज्जती किया। वो सब क्या क्या सोचेगा हमारे बारे में, कैसे कैसे लोग को उम्मीद रखता है,
करा कहीं कोई जा बाहर पैसा मांग पैसा बांट रहा है वो जा मुझे पैसा नहीं चाहिए आंटी तो क्या चाहिए मुझे आपका ब्लेसिंग चाहिए रोहित वेर आर यू दो बजने वाले हैं और तुम अभी तक नहीं आए हो छुट्टी के दिन भी दीपक जी ने इतनी मुश्किल से वक्त निकाला है कितनी देर तक रुकेंगे वो जल्दी आओ रोहित दिस मीन्स अ लॉट टू यू प्लीज कम फास्ट रोहित कहाँ हो तुम कम सून रोहित कहाँ रह गए थे तुम कितनी देर कर दी तुमने रोहित मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ एनीवे व्हाट आर दिस बैग्स फॉर काम के साथ साथ अब घर की भी तलाश है ओह माय गॉड एनीवे बहुत देर हो चुकी है वैसे भी बैग्स यहाँ पे रखकर जल्दी चलो मेरे साथ दीपक जी कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं हरी अप चलो मैंने दीपक जी को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है और वो तुम्हारी कहानी को सुनने को राजी हैं नाउ रोहित इट्स ऑल अप टू यू इट्स ऑल अप टू हिम ऑल द बेस्ट Thank you. हाँ ठीक है क्या बताया हाँ हाँ यस हाँ कल मेरी मीटिंग है क्या बताया आपने एड्रेस ओके आई विल गेट बैक टू यू ओके बाय बाय हेलो रोहित नेहा ने मुझे आपके बारे में बताया है देखिए मेरे पास सिर्फ 10 मिनट हैं जो भी कुछ आपको कहना है सुनाना है प्लीज गो अहेड ये कहानी एक किसान की है एक गरीब किसान की जो अपनी मेहनत से जमींदार की जमीनों पर दिन रात हल चलाता उसकी बंजर जमीनों को उपजाऊ बनाता मगर उसके अपने घर पे सिर्फ एक वक्त का चूल्हा जलता एक सुशील बीवी के अलावा घर में 2 बेटे और एक छोटा भाई था कमाई ना के बराबर थी मगर फिर भी घर में मेलजोल और खुशहाली थी कहते हैं गरीब के बच्चों को रोटी की जरूरत वक्त से पहले ही समझदार बना देती है और ऐसा ही कुछ इस घर में हुआ दोनों बच्चे डट के बाप के साथ काम करते That's it, sir.
ये सुनकर शायद आप भी वही सोच रहे हैं कि बाकी सब पहले ही मुझ पर जाहिर कर चुके हैं। मैं जानता हूं सर, मेरी कहानी में आज का माहौल नहीं है, फिजूल की मारधाड़ नहीं है, सेक्स नहीं है, और वो अश्लीलता भी नहीं है जो आजकल फिल्मों के जरिए लोगों पर थोपी जा रही है। अगर इस कहानी में हमारी मिट्टी की खुशबू है, रिश्तों की पहचान है, हमारी संस्कृति है, वो सभ्यता है जिसे हम अनजाने में भूलते जा रहे हैं। और सर, सबसे अहम बात तो ये है, इस कहानी के एक एक लफ्ज में, एक एक शब्द में मेरा विश्वास है, ऐसा मैं समझता हूं, ऐसा मैं समझता हूं। थैंक्स फॉर द हेल्प, थैंक यू। चलता मिस्टर रोहित, आइए बैठिए। मुश्किल से तो आंटी एयरलाइंस ऑफिस पहुंच पाया और वहां उनका कंप्यूटर सिस्टम फेल, नो ब्लडी इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट केओस आंटी, व्हाट केओस। लेकिन वो टिकट, इतनी भीड़, इतनी गर्मी और ऊपर से आंटी वो ट्रैफिक जाम, पूरे 2 घंटे लगे मुझे यहां पहुंचने में, दिस सिटी, डैम इट। बट जॉन, हमारा टिकट तो मिला ना? हां आंटी, हमारा टिकट मिल गया। ओह थैंक जीसस, हमारा टिकट मिल गया। आंटी, हमारा टिकट मतलब रीटा का और मेरा टिकट कंफर्म हो गया, आपका टिकट अभी नहीं मिला। वो आंटी, फ्लाइट्स फुल था और हमारा जाना जरूरी है। वैसे आप चिंता मत कीजिए, मैं कनाडा पहुंचते ही आपके लिए टिकट भेज दूंगा। आंटी, ये आपका पासपोर्ट यहाँ रख दिया, इसे संभाल के रखना, कनाडा आने के वक्त इसकी जरूरत पड़ेगी। डोंट वरी आंटी, आपका जॉन आपको कभी अकेले थोड़े ही छोड़ेगा।
गुड मॉर्निंग मिसेस पिंटो। गुड मॉर्निंग। हमें पहचाना? हसमुख भाई शाह फ्रॉम शाह बिल्डर्स। जॉन के साथ आया था। यस यस। कैसा है मिस्टर शाह? आई एम फाइन, हाउ आर यू? बस कनाडा जाने का तैयारी में है। वो जॉन का लेटर, हमारा टिकट एक दो दिन में आना चाहिए। मिस्टर जॉन का फोन आया था, कल ही बात हुई मेरी। जॉन से बात हुआ? कैसा है वो? उसने बताया हमको कभी उधर जाने का है, हमारा टिकट कब आ रहा है, हम तो इंतजार कर रहे हैं मैन। वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन कल से यहाँ काम शुरू हो जाएगा। मतलब? यही कि इसका डिमोलिशन, इसको गिराने का काम कल से शुरू हो जाएगा। आपको ये घर खाली करना होगा। जगह खाली करना होगा? मतलब तुम इस घर को तोड़ डालेगा? क्या बोलता है मैं? तुम्हारा हिम्मत कैसे रहा ऐसा बोलने का? अरे ये हमारा घर है, हमारा जॉन का घर है, उसका अमानत है। अरे इस घर को 30 बरस अपने खून से सींचा है हमने। तुम्हारा दिमाग फिर गया क्या? अभी हम जिंदा है, मरा नहीं है। हमारे जीते जी इस घर को कोई हाथ नहीं लगा सकता। और अगर जॉन को पता चला तुम ऐसा बात करता है ना, तो एक मिनट भी तुमको यहाँ खड़ा नहीं रहने देगा। हम बताएगा उसको, सब बोलेगा। देखिए मैडम, बुरा मत मानिए, जॉन और हमारे बीच में जो लीगल एग्रीमेंट हुआ है, उसी के बेस पे मैं ये सब बता रहा हूँ आपको। व्हाट एग्रीमेंट मैन? ऐसा एग्रीमेंट बन ही नहीं सकता। यू वेट हियर, हम जॉन को अभी फोन करके आता है, सब बताएगा उसको, जरूर बताएगा। जाने के लिए बोलता है। मैं जरा फोन लगाना, जल्दी लगाना। मैडम ये तो कनाडा का नंबर है। हाँ ठीक बोला, कनाडा का, हमारा जॉन का नंबर है, जरा जल्दी लगाना। हेलो हेलो कनाडा? मैडम यहाँ से नहीं, वहां से लीजिए। आंटी मुझे लगता नहीं आपका आना पॉसिबल हो सकेगा, इमिग्रेशन अथॉरिटीज की बहुत प्रॉब्लम है एंड आई एम कंफ्यूज्ड। रीटा ये भी कह रही थी कि आपको यहाँ का मौसम सूट नहीं करेगा, बहुत ठंड है। हम लोगों ने सोचा कि आपका वहीं रहना ठीक होगा। वैसे मैंने मिस्टर शाह से बात कर ली है, वो आपको कहीं रहने का इंतजाम कर देंगे। और फिर आंटी मैं तो आपसे मिलने आता ही रहूँगा। सब लोग ध्यान से सुनो, यहाँ कल एक बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर शूटिंग करने आ रहे हैं। तुम लोग साफ सुथरे कपड़े पहनकर यहाँ पर रहना। और हाँ,
एक बात और, कोई भी आवाज नहीं करेगा शूटिंग के वक्त यहाँ पर, ठीक है? समझ गए ना? समझ गए ना? आप नीचे बैठिए और आप भी बैठे, आप चल के आइए इस चेयर पे बैठिए जो खाली चेयर है। आप बूम ऊपर करो, फ्रेम में आएगा। और आप इनको कैमरा की तरफ लेके जाइए जरा थोड़ा लेफ्ट। अरे क्या करते हो यार, आराम से जाके मॉनिटर एडजस्ट करो। चलो I'm sorry मैडम, आपको लगी तो नहीं? रात को सुना नहीं, उससे पहले तो काका से पूछा था। आप बता गए। अच्छा, अब तो हम भी गाने सुनेंगे। अच्छा, तो सब लोग सुनेंगे। तो सुनो, बहुत और कहानी तो नहीं है, कुछ समय पहले की कहानी। समुंदर के किनारे एक बंगला था, नाम था उसका द आर्क।